हाय एवरीवन, तो पता है आज ना मैं आपको पिंपल्स को जल्दी सही करने की ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिसे यूएस में लोगों ने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है। एंड ये जो टेक्निक है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एंड इजीली अवेलेबल भी है। तो आज मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, कैसे ये आपकी फेस के पिम्पल्स को 1 से 2 दिन में पूरी तरीके से ठीक कर देगा, किस तरह के पिंपल के लिए सही है, किस तरह के पिंपल्स के लिए ये सही नहीं है, अप्लाई कब करना है, कितनी देर के लिए करना है, सारी चीज़ें। अब अच्छा देखो, होता क्या है कि पिंपल्स और एक्ने की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में तो वो इतना स्किन पे विजिबल नहीं होता है, तो इस वजह से ख़राब भी नहीं लगता है। प्रॉब्लम आती है 3rd एंड 4th स्टेज में, मतलब कि तब तो हमारे पिंपल्स के अंदर पस आ जाता है जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग हो जाती है और वो येलो कलर का दिखने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है दिखने में। और इसी वजह से शायद हम उसको पॉप भी कर देते हैं कि वो गंदा ना लगे हमारे फेस पर। बट आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपको कभी भी पिंपल्स को पॉप नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा 2 रीज़न की वजह से कह रही हूँ। पहला रीज़न क्या है कि मान लो आपने अपने फेस के पिंपल्स को पॉप कर दिया, तो उसके अंदर जो एक्ने बैक्टीरिया होगा ना, वो और जगह स्किन पर लग जाएगा और उसकी वजह से फिर दूसरी जगह आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि अगर आप अपने फेस के पिंपल्स को पॉप कर रहे हो तो उसका मुंह जो होगा ना, वो ओपन हो जाएगा और उसकी वजह से जितनी भी बैक्टीरिया होंगे इन्वायरमेंट में या फिर जो भी मेकअप होगा आपके स्किन में, जो भी धूल होगी, वो सारे उस पिंपल्स के अंदर चले जाएंगे, फिर वो पिंपल पहले से और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अच्छा, अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो आप हो सकता है पहले भी सुन चुके हो, बट आज तक कभी भी आपको किसी ने कोई एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं बताया होगा जिसकी हेल्प से आप रातों रात अपने फेस के पिंपल्स को ठीक कर लो। बट मेरे पास अब वो सॉल्यूशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब अच्छा, आपको तो पता ही है कि मेरे फेस पर भी पिंपल्स होते रहते हैं क्योंकि मेरे स्किन भी पिंपल प्रोन स्किन ही है, और इस वजह से मैं हमेशा सर्च करती रहती हूँ, लोगों की रियल लाइफ पिंपल स्टोरीज पढ़ती रहती हूँ कि कहीं मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं जल्दी से अपने फेस के पिंपल्स को ठीक कर लूँ, क्योंकि आपकी तरह मुझे भी पिंपल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। तो कुछ दिन पहले मैं किसी का ब्लॉग पढ़ रही थी, तभी मुझे एक ऐसा ब्लॉग मिला जिसमें मुझे ये पता चला कि अभी US के लोगों ने कुछ ऐसा यूज़ करना स्टार्ट किया है जिससे वो अपने पिंपल्स को 1-2 दिन में पूरी तरीके से ठीक कर लेते हैं, और इसके लिए वो एक एक्ने पैच का यूज़ करते हैं। और इस एक्ने पैच को यूज़ करने का आइडिया आपको पता है वो कहाँ से आया? घाव को सही करने के लिए यूज़ किए जाने वाले हाइड्रोकोलाइड से, और इन्हीं सेम हाइड्रोकोलाइड से बनते हैं ये एक्ने पैचेस। अभी को हाइड्रोकोलाइड ये करता है कि घाव में वो पस को बनने नहीं देता है और वहाँ की स्किन को हाइड्रेट करके भी रखता है, तो स्किन ड्राई नहीं होती है और जल्दी से हील कर देता है वो सारी प्रॉब्लम को। तो पिंपल पैचेस कुछ इस तरह से दिखते हैं। अर्बन योगकर ब्रांड है और इसी ब्रांड का ये प्रोडक्ट है, और ये जितने भी पिंपल पैचेस है ना, ये सारे हाइड्रोकोलाइड्स के बने होते हैं और ये वाटरप्रूफ भी होते हैं। जब कभी भी आपके फेस पर ऐसा पिंपल हो जाए कि जिसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो या फिर जिसमें पस आ गया हो, तब आपको इसका यूज़ करना है पिंपल्स को सही करने के लिए। बट अगर छोटे मोटे पिंपल्स हैं तो वो तो धीरे धीरे सही हो जाएंगे, उनको सही करने के लिए आपको इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये पस और स्वेलिंग को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर आपको इसका यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फेस को वॉश करना है, अपने हाथों को वॉश करना है, जिससे कि आपके फेस पे या फिर आपके हाथों पे जो भी धूल गंदगी हो तो वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। और उसके बाद में जिस साइज़ का भी आपके फेस पर पिंपल है उस हिसाब से आपको इस एक्ने पैच का यूज़ करना है। मतलब इसमें आपको काफ़ी सारे साइजेस मिल जाएंगे, बड़े भी हैं छोटे भी हैं पैचेस, तो उस हिसाब से आप यूज़ कर लो। आपको क्या करना है, आपको एक पैच निकालना है धीरे से, और जहाँ पर आपके फेस पर पिंपल है, जहाँ पर पस है, जहाँ पर स्वेलिंग है, आपको वहाँ पर इसको धीरे से रखकर ऐसे प्रेस कर देना है कि वो आपके पिंपल पर अच्छी तरीके से लग जाए। और इसको स्टिक कराने के लिए स्किन पर ऐसा नहीं है कि आपको किसी ख़राब केमिकल वाले एडिसिव का यूज़ करना पड़े। इस पिंपल पैचेस में ऑलरेडी सेल्फ एडिसिव होता है, तो वो आराम से आपके स्किन पर स्टिक हो भी जाएगा। और इसको लगाने के बाद में अगर आप चाहें तो आप बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका पिंपल जो होगा फेस पर वो पूरी तरीके से सेफ होगा। ऊपर से ये पैच लगा हुआ है तो धूल गंदगी अंदर जाने का कोई डर ही नहीं है। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मेकअप भी वेयर कर सकती हैं गर्ल्स अगर चाहें तो, और अगर मेकअप नहीं भी करती है तो नो प्रॉब्लम। इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है कि फेस ख़राब लगने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं खुद इसको लगाने के बाद में मार्केट जा चुकी हूँ यार, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप इसका यूज़ अपने पिंपल्स पर करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हाँ, आपके फेस का जो पिंपल है वो धीरे धीरे सही हो रहा है, क्योंकि ये अंदर के पस को सक करता है, बाहर निकालता है, उसे स्वेलिंग कम होने लगेगी आपके पिंपल्स की, और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपका पिंपल अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है, क्योंकि पैच का कलर चेंज होने लगेगा, वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि हम देख रहे होते हैं कि हाँ, पिंपल सही होने लगा है। तो आप वैसे इसका यूज़ कभी भी कर सकते हो, दिन हो चाहे रात हो, बट अगर रात में करते हैं तो ज़्यादा सही चीज़ होगी, क्योंकि रात में हमारी स्किन बिल्कुल रिलैक्स्ड होती है, हीलिंग मोड पे होती है, जो भी रिकवरी होनी होती है हमारे प्रॉब्लम्स की वो जल्दी हो जाती है।
तो आप रात में हो सके तो उसका यूज़ कर लो, नहीं रात में यूज़ करना चाहते हो तो दिन में भी ट्राई कर लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे कुछ नया मिला था तो मैंने सोचा चलो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहते रहते हो कि हाँ सर प्लीज़ कुछ बता दो पिंपल्स को सही करने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, आप एक बार तो इसका ट्राई करके देखना ही। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना और इसको परचेज़ कर लेना, क्योंकि ट्रिक वाकई में काम आने वाली है। सो यस, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।